दोस्तों, जितना भी पैसा होता है आप अपने वॉलेट में रखते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी अपने घर में कैश को नहीं रखता है, सब प्लास्टिक मनी रखते हैं, बैंक्स मेंटेन होते हैं। लेकिन जितना भी पैसा आप अपनी वॉलेट में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, किस प्रकार रखते हैं, एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके काम आएगी। छोटी सी टिप ऐसी है कि पैसे को बढ़ाएगी, वेस्ट नहीं करेगी। आपका वॉलेट हो या आपका बैग हो जिसमें आप पैसा रखते हैं, कभी भी पैसा आप लास्ट पेनी तक काउंट करके नहीं रखें दोस्तों। ऐसा करने से आपके पैसे में स्टॉपेज आ जाएगी, ब्लॉकेज आ जाएगी। आपको इतना पता हो कि आपके वॉलेट में, आपके बैग में सच एंड सच मनी है, यानी कि 10 से 15,000 रुपए हैं, 10 से 12,000 रुपए हैं, लेकिन 10,000, 200, 20 रुपए आपके बैग में या आपके वॉलेट में हैं। ऐसा करने से आपकी जो फिनेंशियल इनफ्लोज हैं वह कम हो जाएंगे। जिनकी सेल्स डेली होती है, जिनके पास डेली पैसा आता है या वीकली पैसा आता है, जो शेयर्स में डील करते हैं, जो कहीं ना कहीं से ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, क्योंकि डेली पैसा आता है ई कॉमर्स बिजनेस में, रात को भी सेल हो रही है, तो ऐसे करने से आपकी जो सेल्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो सोच है उसको लिमिट कर देगी। इन्फिनिट सोच रखिए ताकि आपका जो पैसा है इन्फिनिट तरीके से आए, क्योंकि पैसा आने की कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। इसके बाद मैं पैसा रखने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपकी करेंसी असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे छोटा नोट पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से आपने पैसा रखना है। और जब भी आप पैसा निकालें आप ठीक तरीके से उसको निकाल लें। फोल्ड करके पैसा रखना, टेढ़े मेढ़े तरीके से पैसा रखना, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इन टिप्स को यूज़ कीजिए, लाइव वास्तु को यूज़ कीजिए, आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आएगा।